अकाउंटिंग वाउचर में जनरल एंट्री कैसे करते हैं? हमने लेजर बना लिया, लेजर बनाने के बाद जो एंट्री करनी है वो कैसे करनी है? तो अकाउंटिंग वाउचर में जाके सबसे पहले जो हमें फर्स्ट एंट्री करना है कैपिटल की, वो F6, किस में? F6, यहाँ से F6 करेंगे तो यह जाएगा रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर आ गया। रिसिप्ट वाउचर में हमें क्या करना है, कौन इस बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जैसे हमने डिक्लेयर किया था कैपिटल का बनाया था राज का, तो राज डिक्लेयर किया, और यहाँ पे कितना अमाउंट ले रहा है राज, 50,000। 50,000 कैसे आया? डेबिट में क्या आ जाएगा, तो कैश हमारा क्रेडिट हुआ और डेबिट में आ जाएगा आपका कैश, क्योंकि कैश लगाया। तो ये दोनों इस तरह से हमारी होती है क्या, रिसिप्ट की जनरल एंट्री। नरेशन हमें देना है तो हम नरेशन यहाँ दे सकते हैं, बीइंग राज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस विथ कैश, ये होता है हमारा सबसे पहली एंट्री जो हमें बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है, और इसको एक्सेप्ट सेव। दूसरी एंट्री हमें करना है, ये हुई हमारी फर्स्ट रिसिप्ट। सेकंड हमें करनी है कॉन्ट्रा। अब हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री में बैंक रिलेटेड एंट्री होती है, इसकी शॉर्टकट की F4 है। F4 में हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, जैसे कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट द गिवर और डेबिट द रिसीवर। हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं एक्सिस बैंक में, HDFC बैंक में, तो हमने कितना किया, 4500। किस बैंक में जमा किया है, HDFC बैंक में। तो ये हमारा आ गया। ये आता है डिपॉजिट स्लिप कि कितने अमाउंट हमें शो करना। हमने यहाँ पे कर दिया 4 और यहाँ कर दिया 5, टोटल नहीं हो रहा है, ये अमाउंट डिस्कनेक्ट है। यहाँ पे 4, यहाँ 0 और यहाँ पे 5, ये अमाउंट सेम है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा। किसके थ्रू किया है, किस बैंक के थ्रू, ये डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे हमें क्या देना है, नरेशन कैश, यहाँ पे हमें नरेशन देना है कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, ये हमारा नरेशन हो गया, और यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया, ये सेव। इसी प्रकार हम पेमेंट की भी एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग वाउचरों की अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। F4, F5, F6, F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट और F6 रिसीप्ट। हमने रिसिप्ट और एंट्री की है।